Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and done your work properly. Today we do our problem questions. Okay, so let's start. 6 books cost rupees 4680. What is the cost of one book? So easy. So बेटा देखिए, यहाँ पर हमें 6 books की cost given है. 6 books की cost कितनी है? 4680. और हमें find out करनी है one book की cost. बेटा देखो, जब हमें more than one की value given हो और one की value find out करनी हो, तो हम क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं. क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं. अब देखो, यहाँ पर हमें 6 books की value given है ना, कि 6 books की वैल्यू कितनी है? रुपी 4680. और हमें फाइंड आउट करना है कि तो वन बुक की वैल्यू क्या होगी. तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे. ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी लाइंस लिखेंगे. कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स क्या है बेटा? रुपी 4680. ओके, then we have to find out the cost of one book. देखो, जब आप शॉप पे जाते हैं, अगर शॉपकीपर आपको कहे कि आपको 6 books की cost है रुपी 4680, और आप अगर आपको चाहिए सिर्फ purchase, आपको one ही book करनी है, तो आपको क्या करना होगा बेटा? तो जो आपको अमाउंट बताया ना शॉपकीपर ने, उसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, 4680 को डिवाइड कर देंगे 6 से. ओके, तो अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे. 4680 इज डिवाइडेड बाय 6. तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 46 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन 6, देन वाई वी हैव टू कंसीडर 46. तो देखिए, आप 6 का टेबल डिसाइड करेंगे, और 6 के टेबल में हमें क्या देखना होगा? 46 से स्मॉलर नंबर. तो देखिए, 6 सा 36, 6 7 सा 42, 6 8 सा 48. तो बेटा देखो, 48 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या 6 7 सा 42. अब हम माइनस करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? 4 4 माइनस 4 0. नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम यहाँ से 8 को कैरी करेंगे. 8 को कैरी किया, तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 48. एज यू नो, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48. अब हम माइनस करेंगे, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 4 0. अब हम नेक्स्ट यहाँ से 0 को कैरी करेंगे. 0 को कैरी किया, बट वी कांट यूज 0, सो वी पुट हेयर एज अ क्वोशेंट 0. तो बेटा अब हमारा यहाँ पर जो क्वोशेंट है वो क्या है? 780, और रिमाइंडर क्या है? 0. और जो हमारा क्वोशेंट है वही बेटा हमारी वन बुक की वैल्यू है. तो इन लास्ट हम लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज रुपी, जो हमारा क्वेश्चन है, रुपी 780. ओके, क्लियर बेटा? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 576 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इक्वली इन 8 रोज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो? बेटा देखिए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 576, और उनको कहाँ पर अरेंज किया गया है? ओनली 8 रोज बनाई गई हैं. 8 रोज में 576 स्टूडेंट्स को अरेंज किया गया है, और हमें फाइंड आउट करना है कि वन रो में कितने स्टूडेंट्स हैं. अगर बेटा 576 स्टूडेंट्स को 8 रोज में अरेंज करा गया है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वन रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे. तो देखो, मोर देन वन की वैल्यू गिवन है, और हमें फाइंड आउट करनी है वन की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? डिवीजन. सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन 8 रोज 576. अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल स्टूडेंट्स
इन वन रो। तो देखो मोर देन वन की वैल्यू गिवन है और हमें वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे बेटा, डिवीजन करेंगे। तो हम 576 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर 57 को कंसीडर करेंगे बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 8। तो देन देखिए तो 8 के टेबल पे 8 सिक्स 48, 8 सेवन 56। तो हम यहाँ पर कर देंगे 8 सेवन 56। अब हम माइनस करेंगे बेटा 6 1, 5 माइनस 5 0, और यहाँ से क्या करेंगे 6 को कैरी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा कलेक्टिवली 16 हो गया, 8 टू 16। अब हम माइनस करेंगे 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0। तो बेटा हमारी जो क्वेश्चन आया इट मीन्स द 72 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन वन रो। ओके सो वी राइट हियर 72 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन वन रो। ओके बेटा सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मदर डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज 1200 अमंग हर फोर चिल्ड्रन एज पॉकेट मनी। हाउ मच पॉकेट मनी डिड ईच चाइल्ड गेट। तो बेटा हम इसमें क्या गिवन है, मदर ने पॉकेट मनी जैसे आपको मिलती है ना पॉकेट मनी, तो मदर ने फोर चिल्ड्रंस को कलेक्टिवली पॉकेट मनी दे दी। तो कितने रुपी दिए, रुपी 1200 गिवन एज अ पॉकेट मनी एंड द 1200 पॉकेट मनी इज गिवन टू फोर चिल्ड्रंस। तो बेटा अब हमें ये फाइंड आउट करना है अगर 1200 फोर चिल्ड्रंस की क्या है पॉकेट मनी है, तो बेटा वन चाइल्ड की पॉकेट मनी कितनी होगी। तो ईच चाइल्ड गेट, तो देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे, फोर की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है वन की, तो क्या करेंगे डिवीजन। सो वी राइट हियर पॉकेट मनी ऑफ फोर चिल्ड्रन दैट इज रूपी 1200 और वी हैव टू फाइंड आउट द पॉकेट मनी ऑफ वन वी हैव टू डिवाइड 1200 बाय 4। तो हम क्या करेंगे बेटा डिवीजन। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे, एज यू नो द टेबल ऑफ 4, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12। सो वी राइट हियर 12 एंड माइनस। तो अब देखिए यहाँ तो जीरो हो गया, अब हम यहाँ से जीरो को कैरी करेंगे। बेटा इस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस पहले भी आपने किए हैं कि अब हमने यहाँ पर जीरो को कैरी किया, तो बेटा यहाँ पर नथिंग, जीरो इज नॉट यूटिलाइज्ड, सो वी हेयर जीरो। ओके देन अगेन हमने जीरो को कैरी किया, यहाँ तो फिर से ही जीरो हो गया, तो हम यहाँ पर अगेन क्वेश्चंट में जीरो पुट कर देंगे। तो इसलिए बेटा हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चंट होगा वो क्या होगा 300 और रिमाइंडर होगा जीरो। अब क्वेश्चंट 300 मीन्स ईच चाइल्ड गेट रुपी 300 एज अ पॉकेट मनी। तो वी राइट हियर लाइन ईच चाइल्ड गेट रुपी 300 एज पॉकेट मनी। ओके इट्स क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस वर्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।